इससे पहले कि मेरा खून खौल जाए तुम सब चले जाओ यहां से। जो पूछ रहा हूं उसका ठीक ठीक जवाब दो वरना ऐसे कि तैसे कर दूंगा। अबे ढक्कन के हम तो मुंह घुमा रहे हैं तेरी काला गधा। सत्तर के दशक में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल था। लोग इनकी फिल्मों के दीवाने थे, जिसके बाद 80 के दशक में भी कुछ ऐसा ही था। बेशक कुछ नए नौजवान सितारे जैसे संजय दत्त, सनी देओल, अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ने अपनी कुछ हिट फिल्मों से पब्लिक को अपना दीवाना बना लिया था, लेकिन पुराने सितारों की बात कुछ अलग थी। और 1987 का साल तो फिर वैसे भी इन्हीं पुराने सितारों के नाम रहा था, खासकर धर्मेंद्र व शत्रुघ्न सिन्हा के, जिन्होंने लगातार कई हिट फिल्में देकर सभी को खामोश कर दिया था। क्योंकि इस साल धर्मेंद्र व शत्रुघ्न सिन्हा की 5 फिल्में ऐसी थी जो टॉप 10 कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में थी, और इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म थी मल्टीपल सितारों से सजी आग ही आग। जबरदस्त एक्शन ड्रामा से भरी ये फिल्म रिलीज हुई थी 3 अप्रैल 1987 को, और बॉक्स ऑफिस पर हिट रहते हुए साल की चौथी सबसे कमाऊ फिल्म थी। फिल्म की कहानी बदले पर आधारित थी, जिसमें बहादुर सिंह उर्फ शेर सिंह यानी धर्मेंद्र फिल्म के सेंटर में थे, जो पूरी फिल्म में पश्चाताप की आग में जलते रहे थे। क्योंकि दरअसल उनके हाथों डॉक्टर रघुवीर सिंह यानी विनोद मेहरा की मौत हो जाती है, इसलिए शेर सिंह पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। जिसके बाद साल बीतते और शेर सिंह का बेटा विजय यानी चंकी पांडे बड़ा होकर आरती यानी नीलम से इश्क फरमाने लगता है। अब आरती कोई और नहीं बल्कि डाकू दौलत सिंह यानी डैनी की बेटी होती है। इसलिए एक तरफ जहां विजय और आरती की लव स्टोरी चलती है, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रघुवीर का बेटा सूरज एसीपी बन जाता है। अब सूरज का एक ही मिशन होता है, शेर सिंह को ढूंढ कर और उसे मार कर अपने पिता की मौत का बदला लेना है। लेकिन इस बीच कहानी में कई मोड़ आते हैं जो कईयों की मौत के साथ खत्म होते हैं। अब पंजाब के गबरू धर्मेंद्र ने करियर के शुरुआती दौर में ही अपने अंदाज से सभी को इम्प्रेस करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद फिल्मी दुनिया में उन्हें मोस्ट हैंडसम हीरो का खिताब भी मिला था। और फिर बाद में वक्त के साथ वे एक्शन किरदारों में भी खूब फबे थे। उन्होंने जितने भी डायरेक्टरों के साथ काम किया सभी उनके काम से इम्प्रेस ही रहते थे। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि धर्मेंद्र सेट पर काफ़ी कूल रहते थे और सभी से हंसी मजाक करते रहते थे, लेकिन कई दफा उन्हें गुस्सा भी आ जाया करता था। और फिर उनका गुस्सा तो बॉलीवुड के कई दिग्गज सितारे व फिल्म मेकर भी झेल चुके हैं। बस कुछ ऐसा ये किस्सा शेयर किया था कि आग फिल्म के प्रोड्यूसर पहलाज नीलानी ने। अब पहलाज बताते हैं कि धर्मेंद्र ने अपने टाइम में बॉलीवुड के मोस्टली बड़े फिल्म मेकर्स के साथ फिल्में की हैं, लेकिन सभी में पहलाज ऐसे हैं जो कभी अपने हीरो के साथ स्क्रिप्ट सेशन नहीं रखते थे। वे सीधे ही फिल्म शुरू कर देते थे और कलाकार भी उन पर भरोसा करते थे, इसीलिए जब वे धर्मेंद्र के साथ आग याग कर रहे थे तब भी उन्होंने केवल स्टोरी लाइन ही बताई थी। वैसे अब आग याग फिल्म का डायरेक्शन बेशक शिबू मित्रा कर रहे थे, लेकिन प्रोड्यूसर पहलाज नीलानी हर सीन में इन्वॉल्व रहते थे। वे शूटिंग तब तक ख़त्म नहीं होने देते थे जब तक कि वे पूरी तरह संतुष्ट न हो जाएं, फिर चाहे उन्हें कितने भी रिटेक क्यों न लेने पड़े। बस ऐसे में एक सीन के लिए उन्होंने धर्मेंद्र से पूरे 15 रिटेक कराए थे, जिस पर तब धर्मेंद्र को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि वे पूरी यूनिट के सामने ही पहलाज पर बरस पड़े थे और कहने लगे कि क्या वे पहली बार एक्टिंग कर रहे जोन से रिटेक पर रिटेक कराए जा रहे हैं। इसके अलावा पहलाज कुछ ऐसा भी बताते हैं कि उन्होंने तब धर्मेंद्र के गुस्से पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था, बल्कि उन्हें तो धर्मेंद्र के साथ काम करने में खूब मज़ा आया था और इसीलिए उन्होंने फिर अपनी अगली फिल्म पाप की दुनिया में भी धर्मेंद्र को अप्रोच किया था, लेकिन धर्मेंद्र ने खुद करने की बजाय सनी देओल की सिफारिश कर दी। क्योंकि दरअसल सनी देओल का करियर तब काफ़ी ख़राब दौर से गुजर रहा था, इसलिए उन्हें तब एक हिट की सख्त ज़रूरत थी। हालांकि सनी को फिल्म की कहानी पसंद नहीं थी, क्योंकि ये 1977 में अयमन मोहन देसाई की फिल्म परवरिश का रीमेक थी, लेकिन धर्मेंद्र को पहलाज पर पूरा भरोसा था, इसीलिए उन्होंने आधी फीस में अगली फिल्म करने का प्रोमिस कर सनी देओल को कास्ट करवा दिया, जिसके बाद पाप की दुनिया बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त हिट साबित हुई और सनी देओल का करियर एक तरह से डूबने से बच गया। वैसे देखा जाए तो आग याग फिल्म भी 1977 में सुरेंद्र मोहन के डायरेक्शन में बनी हत्यारा का रीमेक थी, और इसमें प्राण वाली जो भूमिका थी वो सेम आग याग में धर्मेंद्र की थी। वैसे एक बात ये भी है कि धर्मेंद्र वाले रोल के लिए पहलाज की पहली पसंद ट्रेजिडी किंग दिलीप कुमार थे, लेकिन लोहा फिल्म के सेट पर पहलाज जब शत्रुघ्न सिन्हा से मिलने गए तो धर्मेंद्र हाल ही में आई उनकी एक हिट फिल्म इल्जाम के गाने पर नाचने लगे थे और कोई अच्छी भूमिका के लिए कहने लगे थे।
तब प्रहलाद ने कहा कि उनके पास एक भूमिका तो है लेकिन उन्हें पिता का रोल निभाना होगा। जिसके बाद धर्मेंद्र ने जब स्क्रिप्ट सुनी तो वे तुरंत ही एग्री हो गए। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी और धर्मेंद्र के रोल की क्रिटिक्स ने भी खूब जमकर तारीफ की थी। वैसे धर्मेंद्र ने फिल्म में चंकी के पिता का रोल निभाया था, जबकि इसके अलावा शिबू मित्रा के डायरेक्शन में 1990 में आई नाकाबंदी में धर्मेंद्र और चंकी पांडे भाइयों के रोल में नजर आए थे। अब शिबू मित्रा के डायरेक्शन और प्रहलाद नीलानी के प्रोडक्शन में बनी आग ही आग लगातार दूसरी फिल्म थी। इससे पहले दोनों की जोड़ी ने 1986 में इल्जाम फिल्म बनाई थी, जो कि गोविंदा की डेब्यू फिल्म भी होने वाली थी, लेकिन कुछ वजहों से लव 86 पहले रिलीज हो गई और लव 86 हो या इल्जाम, दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी। इसलिए प्रहलाद ने आग ही आग में भी पहले गोविंदा को ही कास्ट किया था, लेकिन प्रहलाद को गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार से दिक्कत थी, क्योंकि कीर्ति चाहते थे कि गोविंदा को साइन करने वाले प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में उन्हें भी कोई रोल दें। बस फिर इस वजह से प्रहलाद की कीर्ति से बहस हो गई और गोविंदा ने फिल्म छोड़ दी, जिसके बाद बताया जाता है कि प्रहलाद ने सुमित सहगल को भी साइन कर लिया था, लेकिन फिल्म फ्लोर पर जाने से पहले ही प्रहलाद ने सुमित को निकाल कर नए नवेले चंकी पांडे को साइन कर लिया, जिनकी बतौर एक्टर ये डेब्यू फिल्म भी थी। अब चंकी के बारे में बताया जाता है कि फिल्मों में आने से पहले उनका नाम सुरेश पांडे था और उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक्टिंग करे, क्योंकि परिवार फिल्मों से काफ़ी दूर था, किसी को एक्टिंग की ABC भी नहीं आती थी। वैसे जानकारी के लिए बता दें कि चंकी के पिता शरद पांडे भारत के एक मशहूर हार्ट सर्जन थे। देश में जिन डॉक्टरों ने हार्ट का पहली बार ऑपरेशन किया था उस लिस्ट में शरद पांडे का भी नाम दर्ज है। लेकिन अब चंकी पांडे बॉलीवुड कैसे पहुंचे ये बात काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि दरअसल चंकी जिस स्कूल में पढ़ते थे वहाँ कई फिल्मी सितारों के बच्चे भी पढ़ाई करते थे और वे अक्सर ही अपने माँ बाप के फिल्मी किस्से सुनाते रहते थे। ऐसे में बचपन से ही बॉलीवुड के इतने किस्से जानने के बाद चंकी भी सिनेमा में जाने की सोचने लगे थे। बस फिर इसी वजह से पढ़ाई में भी जीरो होने से माँ बाप उन्हें बॉलीवुड में जाने से नहीं रोक पाए। बताया जाता है कि चंकी ने 1986 में 23-24 साल की उम्र में डेजी रानी के स्कूल में एक्टिंग की ABC सीखी थी, जिसके बाद उन्होंने उसी स्कूल में सलमान खान और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार को एक्टिंग और डांस की ट्रेनिंग भी दी थी। बस फिर वहीं पर काम करते करते एक दिन चंकी पांडे प्रोड्यूसर प्रहलाद की नज़रों में आ गए और पहली फिल्म से उनके फेवरेट स्टार बन गए। अब चंकी पांडे ने आग ही आग के बाद प्रहलाद नीलानी के प्रोडक्शन में बैक टू बैक पाप की दुनिया, गुनाहों का फैसला और मिट्टी और सोना जैसी फिल्मों के बाद करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म आंखें भी प्रहलाद नीलानी के ही प्रोडक्शन की थी। वैसे प्रहलाद का जिस तरह चंकी पांडे के साथ रहा कुछ वैसा ही साथ उनका डायरेक्टर शिबू मित्रा के साथ भी था। इल्जाम फिल्म के बाद आग ही आग दोनों की जोड़ी के साथ में दूसरी फिल्म थी, जिसके बाद फिर बैक टू बैक पाक की दुनिया और गुनाहों का फैसला भी दोनों ने साथ मिलकर ही बनाई थी। सदाबहार देवानंद की खोज रही ऋचा शर्मा की आग ही आग करियर की लास्ट फिल्म थी, क्योंकि फिर ऋचा से संजय दत्त ने शादी कर ली थी और 2 साल बाद बेटी तरसला भी पैदा हो गई थी, लेकिन फिर ब्रेन ट्यूमर से साल 1996 में ऋचा की मौत हो गई। बताया जाता है कि चंकी पांडे फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले फिल्मिस्तान स्टूडियो में पहली बार शक्ति कपूर से मिले थे और शक्ति कपूर काफ़ी देर तक उन्हें देखते रहे थे, क्योंकि शक्ति गौन का लुक काफ़ी कुछ अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसा लग रहा था, इसलिए उन्होंने चंकी को लेकर कल के सुपरस्टार की भविष्यवाणी भी कर दी थी। वैसे शक्ति कपूर को आग ही आग फिल्म में चंकी के होने का पता दरअसल एक फाइट सीन करने से पहले तब चला जब डायरेक्टर शिबू मित्रा ने उन्हें बताया कि एक नए कलाकार के साथ उनका फाइट सीन शूट किया जाना है। ऐसे में चंकी को सामने देखकर उस वक्त शक्ति कपूर काफ़ी सरप्राइज हुए थे और फिर चंकी भी उस फाइट सीन को सही ढंग से नहीं कर पाए थे, इसलिए डायरेक्टर शिबू मित्रा को 36 रीटेक लेने पड़े थे। वैसे सीन भी इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं था, चंकी को शक्ति कपूर पर केवल एक पंच मारना था, जिसे करते टाइम चंकी काफ़ी नर्वस हो गए थे। अब TLV प्रसाद के डायरेक्शन में आग ही आग टाइटल से साल 1999 में भी एक फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े सितारे थे, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। बप्पी लहरी प्रोड्यूसर प्रहलाद नीलानी के फेवरेट संगीतकार थे, क्योंकि इससे पहले आई हथकड़ी, आंधी तूफान और इल्जाम का संगीत बप्पी लहरी ने ही कंपोज किया था, लेकिन आग ही आग का गीत संगीत इन सभी के मुकाबले कमजोर था। वैसे जाने माने राइटर अनजान के लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 7 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में, जिसमें साजन आ जाओ और प्यार से है दुनिया सीन कुछ हद तक पसंद किए जाने वाले गीत हैं।
प्यार कहे दुनिया हसी, प्यार नहीं तो कुछ नहीं। लगली 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 कैसी हिचकी लगली साजन। फाइनली आग ही आग इंसा से बड़ी एक हाईली एक्शन फिल्म थी। फिल्म में सभी अदाकारी भी अच्छी थी, यहाँ तक कि चंकी पांडे की पहली फिल्म होते हुए भी वे अपने किरदार में सटीक थे। इसके अलावा एक अच्छी बात यह भी थी कि मल्टी स्टारर होते हुए इसमें सभी को अच्छा स्क्रीन स्पेस मिला था। हाँ, गीत संगीत जरूर कमजोर कड़ी था, लेकिन उसकी भरपाई शिबू मित्रा ने अपने बेहतरीन डायरेक्शन से पूरी कर दी थी। इसके अलावा फिल्म के डायलॉग भी दमदार थे, जिस वजह से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतनी कामयाब रही कि मुंबई के मराठा मंदिर में तो ये रिकॉर्ड 43 हफ्तों तक चलती रही थी। सो आग ही आग फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।